हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी बज रहे सुबह के 7:30 और मैं और अंजलि जा रहे हैं डी मार्ट शॉपिंग करने के लिए। यस, सुबह 7:30 बजे हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट। थैंक्स टू अंजलि, मैंने उठाया मैंने। हाँ, और उसके साथ साथ हम लोग ये व्लॉग है वो आईफोन 11 से कर रहे हैं, जो कि अंजलि का नया फ़ोन है, तो वो भी टेस्ट हो जाएगा कि कैसी क्वालिटी है आईफोन की। कितने दिनों के बाद इतना सुबह उठ रहा है, 7:30 बजे उठा हूँ मैं और रेडी होकर 7:30 बजे डी मार्ट जा रहे हैं। मतलब पहली तो बात इतना जल्दी उठा हूँ, सेकंड थिंग के शॉपिंग करने के लिए, वो भी घर की चीज़ों की, इतने जल्दी उठा हूँ, क्या दिन आ गए कोरोना में देखो। और दूसरी बात यह कि कर नहा के भी नहीं आया, ये बताने की जरूरत नहीं थी व्लॉग में, बताने की जरूरत क्योंकि मैं नहा के आई हूँ ना, तो यहाँ स्मेल थोड़ी आती है, तो तू नहा के आई है। करण कैसा लग रहा है, मतलब तुझे इस, मैं इस अपने नए फोन से तेरे को शूट कर रही हूँ, मतलब कुछ तेरे भाव हैं इसके लिए? कोई भाव नहीं है, अगर अच्छा लगा तो हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे, मेरा भी आईफोन है तेरा भी आईफोन है तो एक्सचेंज करना भी इजी रहेगा, ठीक है? ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तेरा वाइड एंगल कैमरा है तो मुझे ब्लॉक करने में इजी रहेगा ना, तो उधार ले लेना जब चाहिए होगा, मैंने क्या मना किया है। तो मैं बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में जितने भी अच्छे शॉट्स आएंगे ना वो सब मैंने लिए, ठीक है? करण से ड्राइव कर रहे हैं इस बार, तो ये होता है फ़ायदा डी मार्ट जल्दी आने का। एज यू कैन सी पार्किंग भी पूरा खाली है और यहाँ पे लोग भी नहीं है, तो आराम से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। सो यही हम लोग करने आए थे, इसीलिए हम लोग 8 बजे सुबह आए डी मार्ट, ताकि लोग ना मिले, कांटेक्ट जितना हो सके उतना कम हो और पार्किंग स्पेस भी मिले। एज आई सेड बहुत ही खाली है डी मार्ट, पूरा एरिया खाली है, तो बहुत अच्छा रहता है सुबह 8 बजे जाके शॉपिंग करने का। फोटोग्राफर सेलिब्रिटी के पीछे जो फंस है, सेलिब्रिटी किस एंगल से? तेरे 1300 फॉलोअर्स हैं सिर्फ अभी? 1300। हाँ भाई, सब्सक्राइबर से 1350। हाँ वही वही सब्सक्राइबर। इसी को हमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की सुबह 8 बजे। डी मार्ट उठा लाया हम पूरा। ऐसा लग रहा है पूरा डी मार्ट है। ट्रॉली इतनी है, पूरी भर दी है। नहीं मैंने थोड़ी नहीं होता, ट्रॉली इतनी तो पूरी भर नहीं, मैंने थोड़ी लार्ज रखी ट्रॉली की एक्चुअली। करण मजदूरी पे लग जाओ चलो अब। हाँ तो शूट कर, इसलिए तो मैं शूट कर रही हूँ, ज़्यादा अच्छा काम है ये। इसे थोड़ा सही से पार्क कर देते हैं यहाँ छाव में। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ डी मार्ट में एक्चुअली क्या हुआ, हमें वीडियो शूट करने के लिए मना कर दिया। करण दोबारा से कैसी बेइज्जती हुई हमारी? क्या बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? नहीं, हमारा सब्सक्राइबर कम है ना, इसलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो गाइस, ताकि हम 10,000 जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो गाइस, ताकि हम लोग अच्छे सब्सक्राइबर पे पहुंच जाए, हम किसी के बोल सके कि भाई हमारे इतने सब्सक्राइबर है, थोड़ा शूट कर दे, तो थोड़ा शूट भी कर दे, दया आ जाए लोगों को हमारे पे। अभी तो साफ साफ मना कर दिया कि यहाँ आप शूट नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, और वो पूछ रहे थे आप शूट किस लिए कर रहे हैं, मैंने बोला कि हम लोग यूट्यूब के लिए शूट कर रहे हैं, तो बोला क्या यूट्यूब क्या है, मतलब वो बंदे को शायद पता नहीं था यूट्यूब क्या है, तो मैंने बोला कि वीडियो जैसा बनाते व्लॉग हम लोग, तो बोलते हैं कि सॉरी सर जी यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो फिर हमने रख लिया, जितना हो सके उतना हमने शूट किया है, वीडियो में देख लिया होगा आपने, बाकी का नहीं कर सकते। पर डी मार्ट में शूट करना अलाउ क्यों नहीं है, मतलब पता चला कुछ लॉजिक है? नहीं पता नहीं चला, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं, वो लोग नहीं मना कर रहे तो कोई नहीं, अगर ऑडियंस को देखना है तो अपने गाँव में डी मार्ट, अपने शहर में डी मार्ट चले जाएंगे। और वैसे डी मार्ट में देखने लायक कुछ है नहीं, मतलब डी मार्ट में ऑफकोर्स देखने लायक कुछ नहीं है, हमने बस सोचा था सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं। अंजलि वो ट्रॉली में चीजें डाल दी, ऐसा कुछ सिनेमैटिक शॉट। हां एक्चुअली मेरा मन था ऐसा कुछ करने में, सोचा नया मोबाइल लिया थोड़ा टेस्टिंग करते हैं कितना अच्छा है, बट मेरे मोबाइल के बारे में क्या कहना है करण तेरा बता।
अच्छा है, वाइड एंगल काफ़ी अच्छा है। हम लोग अभी वाइड एंगल से ही शूट कर रही है, तो आईफोन 10 है जो कि मेरे पास है, उसके कंपेयर में वाइड एंगल लेंस इसका अच्छा है। तो व्लॉगिंग कर सकते हैं हम लोग, अगर आपके पास, अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हो या फिर यूट्यूब पे वीडियो या कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, वाइड एंगल वाला एक फ़ोन 15-20 हज़ार में भी काफ़ी फ़ोन आते हैं जिसमें वाइड एंगल कैमरा है, तो वो लेके आप स्टार्ट कर सकते हो इजीली, कोई फैंसी कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, स्पेशली वाइड एंगल बहुत अच्छा है। अच्छा अंजलि, ज़रा बैच तो देखा, सुबह 8:00 बजे उठा के तूने मुझसे कितनी मजदूरी करवाई है, ज़रा दिखा ऑडियंस को कितने बैग हुए हमारे। ये हमारे बैग तो 4 है, बट थोड़ा सामान फिर भी बाहर है। मतलब मैं 4 से 5 बैग लेके आई थी, बिकॉज मम्मी और मैं जाते थे ना जब, तब भी इतने बैग में आ जाता था। आई थिंक हमने कुछ ज़्यादा ही सामान ले लिया, आई थिंक लॉकडाउन चले गए 3-4 महीने का सामान ले लिया हमने एक साथ ही लगता है। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं। हम सोच रहे हैं कि 2 मजदूर बुला लेते हैं, क्योंकि सामान इतना सारे कि शायद हम उठाने में सक्षम नहीं रहेंगे। मैं भी निकालूं? नहीं, मैं सोच रही हूँ मैं नहीं निकालूं ना, क्योंकि व्लॉगिंग करना ज़्यादा इजी काम है एक्चुअली। हम दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। करण गाना शुरू, गाना गा ले। दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। कम सामान लेके जा रहे हैं। हाँ तो बहुत कम सामान लेके जा रही, पता है मुझे। गाइस, अगर आप नहीं चाहते कि हमारी और बेइज्जती हो, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, ताकि हम लोग बोल सके भाई हमारे 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर है, वह शूट करने दो और हमें लोग शूट करने दे। बट आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हमने अच्छी सी शॉपिंग कर ली, सुबह उठ के काफी सारी मजदूरी कर ली, और आई गेस अभी 2-3 महीने के लिए हमें डीमार्ट या कहीं भी शॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जस्ट लुक एट कितना हमने शॉप किया है। सुबह से लेके सुबह 7:30 बजे से उठ के हम लोग गए थे, अभी बज रहे 9, अच्छी खासी शॉपिंग हो गई, और 6,500-7,000 का बिल आया, काफी खाली था। तो अगर आपको शॉपिंग करने जाना है इस पीरियड में अगर आपको शॉपिंग करने जाए सोशल डिस्टेंसिंग और सबके साथ, तो मॉर्निंग में जाइए, बहुत अच्छा रहता है। डीमार्ट सुबह 7 बजे आके खुल जाता है। और हम गांधीनगर सेक्टर 26 वाले डीमार्ट में गए थे, और काफी बड़ा है एक्चुअली। हाँ, काफी बड़ा, ज्यादातर डीमार्ट बड़े होते हैं। नहीं, बट चांदखेड़ा वाला कितना छोटा है, चांदखेड़ा वाला छोटा है। ठीक है, फिर भी अगर आपको जाना है शॉपिंग करने के लिए, तो मॉर्निंग में जाओ, सबसे बेस्ट टाइम रहता है, और इजीली सब चीजें मिल जाती है, रश भी नहीं रहता, बिल्कुल रश नहीं। हमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफी अच्छा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।